साइड और हैप्पी बर्थडे। हाय काका जी तुसी तो कमाल ही कर चले। पीछे बैठ के चुप करके देख रहा हूँ कि कौन क्या जो एंजॉय करता है, कौन क्या नहीं करता। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू एक्चुअली। बट थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू अनिकेत एंड थैंक यू। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। ओके तो इंदला राजपूत के जहान में आपका स्वागत है और सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम। एनीवेज आज ऑफिस में बैठी हुई थी, बॉस की कॉल आई, उन्होंने बोला सारा पाकिस्तानी मूवी लग रही है, जाना है तुमने देखने। मैंने बोला ओके, कहती चलो। मैंने सनलीन से पूछा, सनलीन कहती चलते हैं, तो आपने बोला नहीं जाना। तो अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। अचानक से प्रोग्राम, यू नो मेरे प्रोग्राम हमेशा आपको अचानक से ही मिलेंगे। लाइक इट्स रियली अचानक। मेरा नाम ना सारा इंदला छोड़ के ना अचानक रख दिया। खैर मैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, इस टाइम मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट आई हूँ इंडियन वड़ा पाव खाने। वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये इंडियन यहाँ पर एक है, वो खाने के लिए आई हूँ। खैर अब संदीप जो है वो ऑफिस में है और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। यहाँ पे इंडियन डिश खाने के लिए बैठी हूँ, उसका मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे मूवी देखने। मूवी का जो भी सारा सीन होगा वो आपको साथ साथ दिखाते जाएँगे, जिस तरह से भी सारा होगा वो मैं आपको। ये है वड़ा पाव, इसके साथ स्पाइसेस नहीं थी और ये आ गई हैं स्पाइसेस। इट्स लुक लाइक दिस। जदोजहद के साथ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसकी शक्ल देखो, सब वेटिंग पे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था लाइक यार सब इतना वेट करे, लाइक 7 बजे की मूवी के लिए इतना सब वेट करे। खैर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्यों वेट कर रहे हैं। आपकी बहन को भी नहीं मालूम था क्या कर रही हो तुम। नेशनल डे की कोई देख 50% ऑफ में लग रही है। 6:30 का हर टाइम 7:40 हो गया, अभी तक मूवी नहीं स्टार्ट हुई। ये तो फिर होता ही है ना, फ्री की टिकट से हम लेंगे, ऐसे तो होगा। अभी मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी मतलब इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया है कि वो रास्ते में है इसीलिए टाइम लग रहा है। वो मतलब पता कौन आपको देंगे सरप्राइज। हम लोग वेट कर रहे हैं सरप्राइज का। सनलीन तो नहीं सरप्राइज तो तुम्हें तो पता ही है ना। सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज है यार, मैंने अभी इसको नहीं बताया हुआ। नहीं ये सरप्राइज नहीं है। जैसे मैं हम लोग वेट कर रहे हैं, सनलीन तो तंग भी आ गई है यार सरप्राइज। टिच बटन देखने के लिए, और पता है कसम से कभी भी इतनी मूवीज़ आई जैसे मौला जटाइए में देख कर आई हूँ मैंने, कभी भी जो है ना इनकी जो टेबल टॉक बैठती है ना मैंने कभी भी नहीं देखी, क्योंकि यार इंटरेस्टिंग नहीं होती, मतलब कुछ होता नहीं। और पता है उस दिन मैं इतनी बोर हो रही थी, मैंने ये टिच बटन की पूरी देखी। फिर 2019 की शूट हुई भी है, उसके बाद इन्होंने गैप ले लिया, उसके बाद बनाते, मतलब मुझे इतना नॉलेज है, मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। तो खैर अभी हम लोग फ्री टिकट मिलने वाली है, तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कौन आ गई अच्छा। तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो वसीम भाई हैं उनके जो फ्रेंड है उन्होंने बोला आप यहाँ पर ही खड़ी रहो, तो हम आपको जो है ना सरप्राइज़ देते हैं। तो अभी मेरे साथ यार इतने व्यूज़ आ रहे हैं, पता है बच्चों मेरी वीडियो पे, लाइक मैं बिगनर हूँ और मेरी वीडियो पे मतलब अच्छे आ रहे हैं व्यूज़। तो देखो इनको कुछ बोलो, ये सब्सक्राइब ही करते हैं। भाई मेरी बहन का चैनल सब्सक्राइब करो बहनों, अगर आप लोग भी ये सोचते हो कि हम दोनों सेम है सब्सक्राइब करो। हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो जो व्यू करता है प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको अभी आप लोगों का सरप्राइज़ जो है वो हम अभी आपको दिखाते हैं कि कौन है। तो ये है आपका सरप्राइज, ये है आप लोग का सरप्राइज। टिच बटन के मेन एक्टर गाइज़ फरहान सईद की फ़र्स्ट मूवी है और वो उसके प्रमोशन के लिए प्रीमियर जो है वो दुबई में कर रहा है और वो आया हुआ यहाँ और हम एक साथ मूवी देखने वाले हैं। गाइज़ देखते जाए। तो गाइज़ ये था सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। सही आप मूवी देखने के लिए आगे जा रही हूँ तो फरहान सईद की कोई VIP सीट होगी तो हम लोग साथ पीछे बैठ कर मूवी देखेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी तो मुझे क्या देख रही हो। तो बाकी मैं व्लॉग नहीं बना पाई उसके साथ, मतलब मैं वैसे ही बना नहीं पाई क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। अदरवाइज़ मैं बना सकती थी, मेरे साथ खड़ा था ये वो, बट मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं नहीं बना पाई। क्योंकि गाइस तुम सबको पता है कि मेरा स्टार्ट है और मुझ में अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं। तुम लोग जितना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरे में कॉन्फिडेंस भी उतना ही बिल्ट होगा। फिर मैं इस तरह से कॉन्फिडेंस से आऊँगी। लाइक मुझे पता चला कि यार मतलब मैं नहीं कर पाई, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया उस टाइम पे। मतलब बस मैंने ऐसे करके एक पिक्चर बनवाई वो जो मैं आपने मेरी लोगों में देखी होगी, और बस मैंने एक पिक्चर बनवाई और मैं उसका री वीडियो बना पाई। लाइक सिनेमा 9 टिच बटन और ये बैठे हैं हमारे फरहान सईद। साकिब ने मैट्रिक कितने सालों में पास किया है? सिर्फ 2 साल। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब ने। जिस आदमी को नौकर और वर्कर में फर्क नहीं पता है उसके साथ में काम करना भी नहीं चाहती। कि तुम लोगों को कितनी तकलीफें कम होनी है, अगर सुन लेती ना तो तूफान खड़ा कर देती। ना सिर्फ बुद्धि कंट्रोल करनी है, बुद्धि की नहीं वो तो अपना यार करेगा साकिब और उसके बचपन की मांगे। जी तो गाइज़ ये इंटरवल हो चुका है और फरहान सईद नीचे आकर थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे और ये देखें। फिर भी आए हैं, थैंक यू। द बेसिक यू नो मेरा मकसद आने का तो वही ये था कि आप लोगों के बीच में बैठ के मूवी देखूं सो दैट यू कैन जस्ट एंजॉय इट विद मी एंड देन यू कैन टेल इफ यू लाइक इट और यू डोंट अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को। सो आई जस्ट नेवर थिंक कि हम आपके बारे में नहीं सोचते, खास आपके साथ मूवी देखने के लिए एक दिन के लिए आया और आपको वापस आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड मैं पीछे बैठ के चुप करके देख रहा हूँ कि कौन क्या जोक एंजॉय करता है, कौन क्या नहीं करता। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू एक्चुअली, बट थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू। कि पाकिस्तानी फैमिली जो बाहर भी है पाकिस्तान में भी हमको Indians, thank you so much for coming here and actually मेरा जो ड्रामा भी हुआ था मेरे हम सफर, उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियंस ने देखा था। तो टू ऑल द इंडियंस टू एक्चुअली, टू ऑल द बांग्लादेशीज़ टू एक्चुअली, एवरीबडी हू अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज, आप सब लोग के बीच भी आके देखता हूँ। स्पेशली इंडियंस पाकिस्तान नहीं वो मैं इस बाइक पे नहीं और मुझे आता नहीं मेरे हमसर पर थैंक यू इट इज एब्सोल्युटली द सेम देयर इज नो डिफरेंस यू सी आप लोगों इधर रहते हो खैर दुबई तो फिर भी पाकिस्तान से बहुत करीब है ये मूवी जब यूएस वगैरह में देखी जाएगी जो पहले सालों से नहीं गए तो कहीं भी किसी अच्छा काम करने से पहले बकरे को हाथ लगा कर जाना हमाम सामन पहनना और धुआं ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ रूरल एरियाज में अब होती हैं अब तो उधर शहर में भी नहीं हम करते सो इट्स जस्ट लिटिल थिंग्स विच आर शो भी देखेंगे कि खेत और मेला और ये हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये रूट से कनेक्ट करता है और ये फैमिली जो टिच बटन फैमिली है ये कैसे फैमिलीज रहती हैं और छोटी से छोटी बात को भी बड़ा बना सकते हैं और ये बड़ी से बड़ी बात को भी फॉरगिव कर सकते हैं सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट डजंट मैटर वेयर हमारे रूट्स तो एक ही हैं हमारे इमोशंस एक ही हैं बिल्कुल जी तो हम मूवी देखकर वापस आ गए हैं। हाय काका जी तुसी तो कमाल ही कर चले थैंक यू तो हम मूवी देखकर वापस जा रहे हैं तो फरहान से तो फाइनली मैंने बजो व्लॉग बना लिया उसके साथ बट पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता मूवी देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया इसलिए मैंने फ्रॉम पाकिस्तान हम लोग हो रहे हैं लेट क्योंकि हमारी मेट्रो इसलिए बस हमने भागने की किया ये मेट्रो और हम जा रहे हैं लेट हो रहे हैं इससे पहले हमारी ट्रेन छूट जाए फाइनली हमारी मेट्रो तो मिस नहीं हुई हम मेट्रो तक पहुंच गए ट्रेन में मैं बैठ चुकी हूँ वो बड़ा भाई तो ये है कि हमने कुछ खाया ही नहीं हुआ पॉपकॉर्न वगैरह खाए हुए हैं तो पूछती हूँ सैंडी से कि क्या प्लान है कुछ खाने पीने का, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने इतना बड़ा भूख वाला खाया था, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो क्या नेक्स्ट स्टेशन है अब मॉल ऑफ एमिरेट्स देखते हैं। इस टाइम तो वैसे मॉल ऑफ एमिरेट्स में ऑफ हो चुका होगा। ईयर में देखिए लाइक ये वो मूवी थी जो अभी रिलीज़ नहीं हुई, कल रिलीज़ होने वाली है 25 नवंबर को, और आज हम उसके हीरो के साथ ही देखी है और वो पहले देखी है। तो ये सीन है आपके बैक में, प्रीमियर में देखी है। ये कोई माहौल है, फरहान सईद के साथ बैठ के देखी है। एक गाइज़ मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ पर अब मतलब घर की तरफ जा रही हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी लाइक बहुत कम है। और ये देखें मॉल ऑफ एमिरेट्स ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो गाइज़ जो आज मैं मूवी लाइक आज जो मैं वो देखने गई थी फिल्म, तो गाइज़ वो पाकिस्तानी मूवी है। पाकिस्तानी मूवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। फरहान सईद के साथ एक ही थिएटर में बैठ के देखिए क्योंकि प्रीमियर है, कल वो रिलीज़ होने वाली है। तो गाइज़ डू वॉच इट, जितना हो सके आप सब जाएं, सब उसके टिकट्स ख़रीदें। और पाकिस्तानी जैसे इंडिया की मूवीज़ को प्रमोट करते हो वैसे ही आप पाकिस्तानी मूवीज़ को भी प्रमोट करो। सही है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, बहुत मज़े वाली है, इमोशनल भी है, लाइक बेस्ट है। तो गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी बंद है, मैं यहाँ पर ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस जब व्यूज़ दे सकते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत मेहनत लगती है सब्सक्राइब का बटन दबा के।